है, उसका नाम क्या है, कौन सा यूट्यूबर है? मुबशर सिद्दीक, आप शाहपुरिया। आप शाहपुरिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सो गाइस, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और सबसक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो ज़्यादा लोग ना वो करते हैं, मछली पकड़ते हैं, पकड़ते हैं कांटे के साथ। कांटा कराची की तरफ, ये हमारे इधर वो कांटे को कुंडी कहते हैं, ठीक है, तो उधर कांटा कहा जाता है। और कांटा होता है एक, आप ढोर से पकड़ते हैं, हम तंदी से पकड़ते हैं, ठीक है। तो तंदी इस तरह की होती है कि वो बहुत ज़्यादा ही पक्की होती है, पक्की सख्त होती है। बताएंगे देसी तरीके का से मछली पकड़ने। और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना हाथों से पकड़ते हैं इधर। और आए भी नहर पर हैं, साथ नाला है। इंडिया से पानी आता तो इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा और ठंडा पानी है, सही है। तो आज आपको बताएंगे देसी तरीके से मछली पकड़ना, ठीक है, और खोंचे के साथ। उधर पता नहीं कराची या शहर में कहा जाता है, इधर पंजाबी में खोंचा कहा जाता है, ठीक है। तो सर इधर ये सारी साइड, सारी जड़ी बूटियाँ, नहर है साथ साथ, नाला है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इधर चीज़ें हैं, समझ लो साथ पैली हैं, खेते हैं। ये तरीक़ेकार है सारा ये। अली भाई और उनके नाना, तो मैं तीन जने मोटरसाइकिल पर आया हूँ अभी अभी, सही है। तो अभी वो गए हैं नीचे, तो पानी भी थोड़ा है, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा है, बहुत कम पानी है। और यहाँ नाले पर हम पीछे, नाले के पीछे खड़े हो गए हैं, तो साथ उधर से पकड़ते हैं हम डोलियाँ वगैरह, ये वो जिसके साथ हमने पकड़नी है, हाथों से पकड़ते हैं या खोंचे से। वो खोंचा भी साथ लेके आए हुए हैं। और मैं जाता हूँ नीचे, फिर आपको बताते हैं सारा प्रोसेस। ये जड़ी बूटियाँ सारी नीचे, सो गाइस ये तरीके गा रहा है, ये खोंचा साथ पकड़ा हुआ, तो इस तरीके गार से ये मछली इधर से पकड़ी जानी। और पानी बहुत ज़्यादा थोड़ा है। और ये जा रहा है ये अली साथ अपने नाने की हेल्प करने। इधर सबसे पहले डक्का लगाया जा रहा है कोई मछली आगे ना आए। ये पकड़ी है बस, शापर में बता लेंगे सारी ये सारी, ठीक है। अब साहब वो उतर खड़े हो है सामने, ये पानी से बाहर हो या पैर शैर मारो थलो मच्छी उठे। सोच रहा हूँ कि पानी थोड़ा मछली पर है, इसमें मछली है। ये सारे इधर जड़ी बूटियाँ हैं सारी, इसके पैर के नीचे आ रही हैं सारी मच्छी ने इसके। ये चेक करो ये सारी मिट्टी के नीचे पाई जाती है मछली ना, एक गारे से पैदा होती है सारी मछली, गिले पाना। बस ये इधर सारी मछली हैं, इधर डक्का लगा कर इधर मछली देखी गई है, इधर ये चीज़ भी। थोड़ी सी मछली जान, ठीक है। साथ गाने लगे हैं, बस आवाज थोड़ी ट्रैक्टर पर लगे हुए हैं सारे गाने। और मैं मछली हैं, सही है। ये वाली तो इसके नाना जान ने पकड़ी है, वो सामने है। इस जहन में ख्याल आता होना है कि यार इधर कौन सी मछली होनी है, पर इधर मछली है ये, सही है। ये ज़्यादातर मछली पैदा होती है गारे से। और ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी है। मैं तो बाहर खड़ा हूँ, जो अंदर है वो तो पूरा सुन्नू हुआ इस टाइम, सही है। तो मैं इसलिए बाहर खड़ा होकर साथ वीडियो बना रहा हूँ। और देखो किस तरह खोंचे लगा के इनके नीचे से मच्छी निकाल रहे हैं मछली, ठीक है। हाथ से ये एक मछली पकड़ी गई है, इसने पकड़ी है, सही है। तो ये वाली है ये, बिल्कुल
ये शापर में डाल दी गई है और अच्छा ने फड़िया फड़ लिया किस तरह पकड़ के लेके जाता था वो किसी लड़के से पकड़ता था और पानी के नीचे जाता था वही जो है ना मछली को बारा पकड़ के ऊपर आता था कहता था देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह है उसका नाम क्या है कौन सा यूट्यूबर है मुबशर सिद्दीक आप शाहपुरिया आप शाहपुरिया मछली जो ना पकड़ी जा रही है फिलहाल तो आगे का पता कोई नहीं बाद कोई नवा तरीका तो कर लो जो हाँ बहुत ज्यादा लोग ना उथे शहर कांटा एक डोर के साथ उसके आगे ओ माशाल्लाह 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 तो ये डोलियां डोले हैं देसी मछली यही है ज्यादातर लोग जो खाते हैं फार्मी मछली होती है हम मछली पकड़ रहे थे तो वो ज्यादा उधर बताया आपको तो ज्यादातर लोगों का ये ख्याल आता होना है कि ये मछली है ये क्या कितना पानी है बहरहाल पानी तो यार इतना ही था क्योंकि इधर ही मछली पाई जाती है ज्यादातर तो फिलहाल आया था मैं रास्ते में अपनी मोटरसाइकिल चेक करने वो सामने खड़ी है वो ठीक है वो सामने ट्रेली गई है मैं देख रहा था कि कहीं साथ ना ले गई हो कि मार मूर ना गई हो तो सो अभी फिलहाल तो हमारा जीन है ही इधर के बाकी नाला साथ वो बताएंगे आपको नाला जो इंडिया से जहाँ से पानी आ रहा है तो साथ नहर थी तो ये जो नहर है ना ये साथ नाला आ रहा है सारा नाला साफ पानी है बिल्कुल शीशा पानी आ रहा है ठीक है जैसे साथ गुजर के लोग ना वो साथ गाँव हैं उधर भी चल जाते हैं बीच में से रास्ता है तो मोटरसाइकिल वाला इतना ज़्यादा रास्ते नहीं आते तो ये पहले कुछ अरसे ना पहले ना इन्होंने नहर की सफाई की थी तो उसकी वजह से इस नाले को बंद कर दिया गया और फिर भी लोगों ने रास्ता बना के ना नीचे को तो इधर को जा रहे हैं सही है ये सामने रास्ता है तो ये पानी आ रहा सारा शीशा पानी है बिल्कुल शीशा पानी सही है तो वो अली भाई तो इसके नाना जान मच्छी पकड़े मैं आ गया हुआ था तो ये चीज़ आपको बताने आया था पहले भी ना उधर से वो जो पैंप लगा ना ये पैंप से छलांग लगाते थे अगले आगे चल जाते थे अब ये पानी के बीच में से गुजरना पड़ता है इस तरह ये देखें अब इधर रेत है वो ये पैर वगैरह मेरे गंदे थे हाथ गंदे थे तो मैं इधर धोने आ गया हुआ था तो वो उधर ही पकड़ रहे थे मैं सोचा क्यों ना वीडियो बना और नहर से आपको कुछ मंजर बताता हूँ मैंने इधर की वीडियो सारी बनाई हुई थी जब वो साफ थी वो मेरे यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दी थी कुछ इसमें वॉयलेशन थी जिसकी वजह से वो मेरी यूट्यूब वालों ने वीडियो वो कर दी थी डिलीट सही है तो ये इधर सारी सड़क ये सारी जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं ये साथ पानी ये नहर है तो ये और ये इधर परोला लगा हुआ सारी मुंजी को तो इधर इसलिए आ गया था कि ना वीडियो बना और चाचा जान अपनी कुछ बता रहे थे जब हम मछलियाँ पकड़ने जाते हैं किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये सारा उन्होंने बताया हमें जाने के लिए मैं सो गाइस अभी सोचा था जाने के लिए फिलहाल मच्छी अपने आप ही और ज़्यादा पकड़ी जा रही है पहले थी थोड़ी जो ही सोचा कि यार चलते हैं तो मछली अब बाहर उसका इस्तेमाल कर रहे थे खोंचे का अब वो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोड़ दे भी थी इसने ना मछली पकड़ते पकड़ते हमें एक चीज़ मिली है ये कछुए का बच्चा ये चेक करो आप ये ना इधर ये बच्चा है ये वाला कछुए का बच्चा है और इसका पूरा सीन ये पकड़ा ये डर लग रहा था मुझे मैं लकड़ी से पकड़ रहा था नाले पर जिधर पहले आया था वो हाथ पैर धोने धो के घर जाना फिर जाके नहाना धोना तो फिर वो सही हो जाएगा सब पैर ये जगह पर और ये सारा चल रहा है पानी ये जगह पर जा रहे हैं घर सब कुछ कर लिया अब जाग वो बनाए ना अब से पता नहीं किस तरह बनाई जाती है मछली सही है तो आज के लिए बस इतना ही और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अल्लाह हाफिज़।